नमस्कार दोस्तों, मैं रेवती रमन बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर स्टूडेंट आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकल्चर ऑन टेक पे। जी हां दोस्तों, आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि आईसीआर 2021 का रिजल्ट बिल्कुल अनाउंस हो चुका है, जिसका आपको बहुत पहले से बेसब्री से इंतजार था। और दोस्तों मैं आपको यहां पे बता दूं, जो ये रिजल्ट आया है आईसीआर का, जो कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अनाउंस किया है, इस रिजल्ट ने आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे रिजल्ट को लेके। जो आपके मेन डाउट्स है वो इस बात को लेके है कि जो एनटीए ने जो रिजल्ट दिया है, ना ही आपका स्कोर बताया है और ना ही वहां पे आपका रैंक दिया गया है, और आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल बेस पे दिया गया है। जो आपके यहाँ पे डाउट्स हैं बिल्कुल यहाँ पे क्लैरिफाई किए जाएं, क्लियर किए जाएं इस वीडियो में, जितने भी आपके डाउट्स हैं कि आपका इस परसेंटाइल पे कितना स्कोर है, कि आपको कॉलेज मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, सारे सारे डाउट्स यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिफाई किए जाएंगे। और काउंसलिंग प्रोसीजर आपका किस तरह से रहेगा वो भी आपको इस वीडियो में यहाँ पे बताया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है, एंड तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बार जो आईसीआर का रिजल्ट एनटीए ने यहाँ पे अनाउंस किया है, इस यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आया है वो परसेंटाइल बेस पे आया है। इसका जो मेन कारण था, मेन मकसद था, वो यही था कि नॉर्मलाइजेशन को लेके, जो आपको इस बार जो यहाँ पे आईसीआर में देखने को मिलेगा, आपको नॉर्मलाइजेशन इस बार 100% यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि हर साल नहीं होता था। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो पीसीएम ग्रुप वाले हैं, पीसीबी वाले हैं या फिर एबीसी ग्रुप वाले हैं, सभी ग्रुप वालों को यहाँ पे जो कंपटीशन है इस बार वो सिर्फ अपने ग्रुप वालों के साथ ही होगा। यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसका मतलब ये है कि जो पीसीएम ग्रुप वाले हैं उनका जो कंपटीशन होगा वो सिर्फ पीसीएम ग्रुप वालों के साथ ही होगा, पीसीबी वालों का पीसीबी वालों के साथ ही होगा और एबीसी वालों का एबीसी वालों के साथ ही होगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का यही मतलब है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो होता था हर साल ये होता था कि पीसीएम वालों को पीसीबी वालों के साथ कम्पीट करना पड़ता था, होता ये था कि उनको अच्छा कोर्स और अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता था, क्योंकि पीसीएम वालों का स्कोर अप्रोक्स हाईएस्ट 350 और 400 से ऊपर नहीं आता था, और पीसीबी वालों का जो स्कोर है वो अबव 400 आता था और उनको अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स मिल जाता था। बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो यहाँ पे आपको जो भी आपका रैंक होगा, जो भी आपका यहाँ पे रिजल्ट बनेगा वो बनेगा आपके ग्रुप के बेस पे। अगर आप पीसीएम हो, आपका कंपटीशन सिर्फ पीसीएम वालों के साथ ही होगा और पीसीबी वालों का पीसीबी वालों के साथ ही होगा। इसमें ये देखने के चांसेस यहाँ पे मिलेंगे कि पीसीबी वालों की जो यहाँ पे कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई रह सकती है और यहाँ पे जो पीसीएम वालों की कट ऑफ है वो थोड़ी सी लो जा सकती है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बताऊं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की, जो कि पॉपुलर कोर्स है आईसीआर का, उसमें जो यहाँ पे अगर पीसीएम वालों का यहाँ पे देखें अप्रोक्स 250 के आसपास पीसीएम वालों को यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स यहाँ पे मिल सकता है। अगर वहीं हम बात करें पीसीबी वालों की, तो यहाँ पे उनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई जा सकती है। ये मैं एक्सपेक्टेड आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि 380 से अबव यहाँ पे पीसीबी वालों की कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस बार नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये तो होगी कट ऑफ की बात, की जो नॉर्मलाइजेशन का उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कट ऑफ पे, तो यही इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं परसेंटाइल की, आपकी जो परसेंटाइल है किस बेस पे आपको परसेंटाइल यहाँ पे दिए गए हैं, परसेंटेज आपकी किस बेस पे यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो पीसीएम ग्रुप वाले हैं उनका जो कंपटीशन है वो एनटीए ने इस तरह से किया है नॉर्मलाइजेशन को लेके, कि आपकी जो परसेंटाइल है आपके ग्रुप वालों के साथ कम्पीट करके ही दी गई है, और पीसीबी वालों की अलग से है और एबीसी वालों की अलग से है। तो ऐसे में आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपकी परसेंटाइल है वो आउट ऑफ 100 यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, अगर आपकी परसेंटाइल कितनी है, 75% है टोटल, अगर आपका पीसीएम ग्रुप है आपकी कितनी है, 75% यानी कि 75% आपकी आउट ऑफ 100 दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपसे नीचे 74 स्टूडेंट आपसे नीचे हैं, यानी कि आपसे पीछे हैं, और 25 स्टूडेंट आपसे आगे हैं। इसका मतलब यही है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 है जिसने एग्जाम में अपियर किया था, और ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आउट ऑफ 100, यानी कि यहाँ पे जो एग्जाम में अपियर हुए थे वो आपके अप टू 1,00,000 से ऊपर स्टूडेंट आपके क्या हुए थे, एग्जाम में अपियर हुए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं आउट ऑफ 100 बता रहा हूं, अगर आउट ऑफ 100 स्टूडेंट में से आपका रैंक यहाँ पे, आपकी परसेंटाइल कितनी है, 75 है, यानी कि आपका रैंक कितना है, 75 रैंक है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पे अपना रैंक निकालना है तो जो आपका स्कोर कार्ड है उस कार्ड में आपका नीचे नोटिस दिया गया है, वहां पे आपका एक फॉर्मूला दिया गया है, जिस फॉर्मूले से आपके परसेंटाइल यहाँ पे निकाली गई है, उसी फॉर्मूले के बेस पे से आप अपना परसेंटाइल भी वहां पे निकाल सकते हो। इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। तो यहाँ पे दूसरा मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं, अगर आपका पीसीबी ग्रुप है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप है,
मान लीजिए आपका कितना परसेंटाइल है, 90% आपकी है आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब ये है कि 89 स्टूडेंट क्या है आपसे पीछे है, आपका रैंक 90 है और 10 स्टूडेंट आपसे आगे है, यही इसका मतलब है। और इसका मैं आपको एक सोल्यूशन यहां पे दे सकता हूं कि आपका जो स्कोर है, जो रैंक है, कुछ ही दिनों में आ जाएगा वेबसाइट पे, ऑफिशियल आपकी आईसीआर की वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। आप वेट कीजिए, 2-3 दिन का वेट कीजिए, वहां पे बिल्कुल आपका स्कोर बता दिया जाएगा, आपका रैंक बता दिया जाएगा, उसी के बेस पे आपको वहां पे काउंसलिंग का प्रोसेस भी आपको बता दिया जाएगा। इसी चैनल पे आपको यहां पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी आपका यहां पे रैंक आपका अनाउंस होगा कि आपका आपकी रैंक लिस्ट जब आपकी जारी होगी आपको यहां पे अनाउंस किया जाएगा इसी चैनल पे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा मैं आपको यहां पे बता दूं, आप जल्दी से हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, वहां पे स्टूडेंट डिस्कशन ग्रुप बना है, वहां पे डिस्कस कीजिए, आपको वहां पे हेल्प मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब में हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाना थोड़ा सा टफ रहता है, तो आप वहां पे मैसेज कर सकते हैं, आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाते हैं जो भी आपके डाउट्स है, कंफ्यूजन है। व्हाट्सएप ग्रुप हो हमारा, चाहे हमारा टेलीग्राम चैनल हो, वहां पे आप जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और तीसरा इंस्टाग्राम पे आप जल्दी से फॉलो कीजिए, वहां पे भी आपको जल्दी से रिप्लाई मिल जाते हैं, वहां पे मैसेज कीजिए, जो भी आपके डाउट से कंफ्यूजन है वहां पे बिल्कुल क्लैरिफाई किए जाएंगे। और दूसरा मैं आपको यहां पे बता दूं कि यहां पे जो आपका डाउट्स है काउंसलिंग को लेके, अब यहां पे मैंने आपको बता दिया कि आपका जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, इसमें बिल्कुल आपकी परसेंटाइल ही दी गई है। आप अगर रैंक अपना पता करना हो आप फॉर्मूला को यूज करके कर सकते हैं, बट यहां पे बिल्कुल एक्यूरेट आपका जो रैंक है, जो आपके यहां पे जो स्कोर होगा वो बिल्कुल आपकी एनटीए की वेबसाइट पे यहां पे मिल जाएगा कुछ ही दिनों में, अप्रोक्स 2-3 दिनों में आपका यहां पे हो सकता है कि आपका आ जाए, ठीक है, 4-5 दिन भी यहां पे लग सकते हैं, बट आपको उसके लिए यहां पे वेट करना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे जो प्रोसेस रहता है वो रहता है काउंसलिंग का। और यहाँ पे सबसे मेन आपकी बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाइए, डिस्क्रिप्शन पे आपको वहां पे लिंक दिया गया है, आप देख लीजिए, चेक कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या नहीं होने चाहिए। जो यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोसेस आपका रहने वाला है, चाहे आप आईसीआर यूजी का एग्जाम दिया हो या पीजी का दिया हो, पीएचडी का दिया हो, तो काउंसलिंग प्रोसेस सभी का सेम रहता है। डॉक्यूमेंटेशन की वीडियोस मैंने सभी के लिए बना के रखी है, चाहे आप पीजी स्टूडेंट हो, यूजी हो या पीएचडी हो, तो एक वीडियो आपको मिल जाएगी, जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पे लिंक दिया गया है। और दूसरा जो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जल्दी से ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी आपका क्वेश्चन, कोई भी इंक्वायरी हो, आप वहां पे मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाते हैं और आपकी जरूर हेल्प की जाएगी। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां पे जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाते हैं। और यहां पे हम बात कर रहे थे काउंसलिंग की, तो जैसे आपका यहां पे आपका रैंक आएगा, रैंक बेस के बेसिस पे उसके बाद आपका काउंसलिंग फॉर्म यहां पे फिल होगा, तो वहां पे इसी चैनल में आपको बता दिया जाएगा किस तरह से आपको काउंसलिंग फॉर्म फिल करना है। क्योंकि होता ऐसा है जो मैक्सिमम टाइम जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो काउंसलिंग फॉर्म है वहां पे जो कॉलेज च्वाइस है और आपका जो कोर्स च्वाइस है वो वहां पे गलत कर देते हैं। उस वजह से क्या होता है कि आप जो अगर आपका रैंक अच्छा है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपने क्या किया, आपने अच्छे से अपना जो कॉलेज है वो अच्छे से चूज नहीं किया है और आपने अच्छे से अपना कोर्स चूज नहीं किया है। तो ऐसा होता है, पिछली बार भी ये देखने को मिला कि जिनके नंबर कम थे उनको अच्छा कॉलेज भी मिला और अच्छा उनको कोर्स भी मिला है। वो इसी वजह से मिला है कि उन्होंने जो यहाँ पे जो कॉलेज चूज किए हैं वो उन्होंने चॉइस जो की है वो अच्छे से उन्होंने की थी। तो उसमें भी आपको बिल्कुल हेल्प किया जाएगा। अगर कोई भी आपका डाउट हो काउंसलिंग को लेके, तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए गए हैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आप मैसेज कीजिए, आपकी जरूर हेल्प की जाएगी। और यहां पे मैं आपको बता दूं काउंसलिंग का थोड़ा सा, मैं आपको यहां पे आइडिया दे दूं, यहां पे जो स्टूडेंट्स के डाउट है कि हमारी जो परसेंटेज है, क्या हमें काउंसलिंग के लिए भरना चाहिए, क्या हमें यहाँ पे कोर्स, कौन सा कोर्स मिलेगा, कौन सा कोर्स नहीं मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आपका यहाँ पे पीसीबी ग्रुप है, पीसीबी वाले अगर आप हो, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपकी यहाँ पे 85% है, 85 से अबव है, तभी आप काउंसलिंग के लिए भरिए, तभी आप सोचिए, तभी आपका यहाँ पे नंबर आ सकता है कि कोई भी आपको कोर्स मिल जाएगा। 85 के ऊपर आपको चांसेस है कि आपको कोई भी कोर्स मिल सकता है। अगर आपका पीसीएम है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है पीसीएम वालों की, तो मैं यहाँ पे आइडिया लेके चल सकता हूँ, पीसीएम वाले यहाँ पे 75 अगर उनका यहाँ पे
परसेंटाइल है उसके ऊपर वो काउंसलिंग के लिए यहाँ पे फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो ये था काउंसलिंग का थोड़ा सा क्राइटेरिया जो मैंने आपको आइडिया दे दिया, ये मैं एक्सपेक्टेड यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। जब आपका स्कोर यहाँ पे अनाउंस होगा, आपका रैंक यहाँ पे बता दिया जाएगा, उस टाइम आपको मैं फिर से बता दूंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए फिल करना चाहिए, किस स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए, तो वो भी बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहता है उसमें सिर्फ आपके दो राउंड रहते हैं, फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड। होता क्या है, आपको यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या होता है, अगर वहां पे सीट आपकी वैकेंट रहती हो, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं नीट में चले जाते हैं, तो वहां पे जो सीट्स हैं वो वैकेंट रहती है, तो क्या होता है कि सेकंड राउंड फिर से चलता है, यानी कि जो फर्स्ट राउंड में जिनको सीट नहीं मिल पाए उनको सेकंड राउंड में चांसेस रहते हैं कि सीट मिल जाए। तो उसके बाद फिर से आपका जो प्रोसेस रहता है वो मॉप अप राउंड का रहता है, फिर आपका मॉप अप राउंड फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, ये आपके चलते रहते हैं। जो सीट आपकी वैकेंट हो वो सीट आपकी फिल की जाती है, वो भी आपको बिल्कुल इसी चैनल पे यहाँ पे बिल्कुल गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा, सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे काउंसलिंग को लेके, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन सा कोर्स आपको चूज करना है, कौन सा आपको कॉलेज चूज करना है, कितने आपके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कोर्स आपको चूज करना है। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपका स्कोर कितना है, आपकी परसेंटाइल कितनी है, ठीक है, और आप किस ग्रुप से हो, कौन से कैटेगरी से हो, ठीक है, वो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, ठीक है। उससे मैं नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करके आपको बता पाऊंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है, आपकी परसेंटेज के बेस पे मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता सकता हूं अगर आप यहाँ पे एक्यूरेट डाटा अपना देते हो। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पे दीजिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे आप अपना डाटा दीजिए कि मेरे इतनी परसेंटाइल आ रहे हैं, मैं इस ग्रुप से हूं, तो उससे थोड़ा सा डाटा अगर कलेक्ट होगा, डाटा मेरे पास होगा, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। बट कुछ दिन बाद, दो या तीन दिन बाद अप्रोक्स आपका यहाँ पे एनटीए बिल्कुल आपको यहाँ पे स्कोर कार्ड तो दे दिया है, आपका बिल्कुल रैंक भी दे देगा, तो आप उस रैंक के बेस पे आप अपना काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल इस वीडियो में था इतना ही था, तो इसके बाद कोई भी आपका डाउट्स हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप जल्दी से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वहां पे मैसेज कीजिए, और कमेंट सेक्शन पे यहाँ पे कमेंट आप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। धन्यवाद।